स्टूडेंट्स, अब एक नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करते हैं, पेट्रोलियम को, ठीक है, जो एक सबसे इम्पॉर्टेंट फ्यूल का एग्जांपल है, राइट। सो लेट्स स्टार्ट पेट्रोलियम। वेल, पेट्रोलियम दो वर्ड से मिलके बना है, फर्स्ट पेट्रा एंड सेकेंड ओलियम। पेट्रा मीन्स रॉक एंड ओलियम मीन्स ऑयल, तो इसीलिए पेट्रोलियम को हम कॉमनली रॉक ऑयल भी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि दो वर्ड से मिला है, पेट्रा मीन्स रॉक एंड ओलियम मीन्स ऑयल, दैट्स वाई इट्स कॉमनली नोन एज रॉक ऑयल, राइट। तो पेट्रोलियम है क्या, देखिए पेट्रोलियम एक मिक्सचर है हाइड्रोकार्बन्स का दैट अकर्स इन गैसियस लिक्विड एंड सॉलिड स्टेट। तो पेट्रोलियम वेरियस हाइड्रोकार्बन्स का एक मिक्सचर है, ओके। तो हाइड्रोकार्बन्स क्या है, हाइड्रोकार्बन्स का मतलब है कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, ओके। तो उन्हें हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो ये ऐसे हाइड्रोकार्बन है पेट्रोलियम जो गैसियस सॉलिड और लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट है, इन्हें हम कॉमनली क्रूड ऑयल भी कहते हैं, ठीक है। तो देखिए क्रूड ऑयल एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वेरियस फ्यूल के फॉर्मेशन में, राइट, या फिर उनके उनकी रिफाइनिंग में। तो कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स हमें ऑब्टेन होते हैं पेट्रोलियम से, चलिए उनको डिस्कस करते हैं। तो पहला जो यूजफुल प्रोडक्ट हमें मिलता है वो है पेट्रोलियम गैस। तो पेट्रोलियम गैस के जो एग्जाम्पल है वो है लिक्विड पेट्रोलियम गैस, सबसे कॉमन एग्जाम्पल इसका यही है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जिसे हम कहते हैं LPG, जो हमारे घरों में जनरली एज अ कुकिंग गैस, जिसको हम घर में खाना बनाने में यूज़ करते हैं, वो यूज़ होता है, ठीक है। अब देखिए ये जो गैस है ये कौन कौन से हाइड्रोकार्बन का मिक्सचर है, तो इसमें दो मेन इंपॉर्टेंट हाइड्रोकार्बन्स प्रेजेंट है LPG में, फर्स्ट प्रोपेन प्लस ब्यूटेन। तो प्रोपेन और ब्यूटेन जो दो हाइड्रोकार्बन है ये उनका मिक्सचर है, कौन, LPG, जो हमारे हाउस होल्ड कुकिंग गैस भी कहते हैं उसमें यूज़ होती है, ठीक है। जनरली अब ये जो गैस है ये LPG बहुत ही फ्लेमेबल है, बहुत जल्दी फायर को कैच कर लेती है, ठीक है। तो इसका का जो रिस्क है, इसका जो मैनेजमेंट है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है, इसीलिए जनरली जब भी इस गैस को फिल किया जाता है सिलेंडर में, तो इसमें देखिए दो क्वेश्चन बनते हैं कि जब हम LPG गैस को या फिर किसी भी गैस को सिलेंडर में फिल करें तो उसमें कौन सी कंडीशन होनी चाहिए, ठीक है, टेम्परेचर और प्रेशर की। तो वहाँ पे कंडीशन होनी चाहिए कि हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर, ठीक है। तो हमेशा आपको याद रखना है कि अगर किसी भी गैस को अगर हम सिलेंडर में फिल करें तो कंडीशन हैज़ टू बी हाई प्रेशर, प्रेशर ज़्यादा होना चाहिए, एंड सेकेंड वन इज लो टेम्परेचर, टेम्परेचर लो होना चाहिए, ठीक है। क्यों, क्योंकि गैसेस आफ्टर प्रेशर क्या होगा कि वो एक्सपेंड होंगी और जो वॉल है कंटेनर की या फिर सिलेंडर की वहाँ पे वो कम्प्लीटली अटैच हो जाएंगी, स्कैटर हो जाएंगी। इस वजह से हाई प्रेशर एग्जर्ट करना ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर से फिल होगी सिलेंडर में, तो जनरली बहुत जल्दी फायर कैच कर लेती है, इसलिए हम इसमें एक केमिकल सब्सटेंस ऐड करेंगे जो इसकी लीकेज को हमें बता देगा, ठीक है। तो आपने देखा होगा कि जब LPG या फिर गैस थोड़ा खुली रह जाती है तो एक ऑड सी स्मेल रिलीज होती है, तो जो ऑड स्मेल है LPG की वो होगी ड्यू टू इथाइल मरकैप्टेन। इथाइल मरकैप्टेन एक केमिकल सब्सटेंस है जो LPG सिलेंडर में फिल किया जाता है ताकि उनकी एक ऑड स्मेल हो और जिससे हम आसानी से उनकी लीकेज को डिटेक्ट कर सकें और सीधे उन्हें स्विच ऑफ कर सकें, ओके। तो ये लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस थी। अब हम बात करते हैं दूसरे पेट्रोल की। एज वी ऑल नो पेट्रोल एक मेन फ्यूल है हमारे ऑटोमोबाइल्स का, जो भी लाइट ऑटोमोबाइल्स हैं उनको रन करने के लिए पेट्रोल की काफ़ी रिक्वायरमेंट होती है। थर्ड वन इज केरोसिन ऑयल। केरोसिन ऑयल जनरली हमारे जो लैम्प वगैरह हैं इनमें यूज़ होता है, इसके अलावा ये जो जेट है उनमें भी एज अ फ्यूल यूज़ होता है, जेट और प्लेन्स, ठीक है। डीजल ऑयल, डीजल ऑयल जनरली जो हैवी व्हीकल्स हैं इन्हें रन करने के लिए डीजल ऑयल की नीड होती है, ठीक है। इसके अलावा कुछ जो रिफाइनरीज होती हैं उनमें भी इसका यूज़ किया जाता है एज अ फ्यूल। अगर हम बात करें पैराफिन वैक्स की, जो फिफ्थ प्रोडक्ट है पेट्रोलियम प्रोडक्ट, इस ये जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट है इसका जो बॉयलिंग पॉइंट है सबसे ज़्यादा है 673 केल्विन, सबसे हाईएस्ट इसका बॉयलिंग पॉइंट है पैराफिन वैक्स का। क्या यूज़ है पैराफिन वैक्स का, पैराफिन वैक्स कॉमनली यूज़ होता है वेसलीन है, जितने भी वैक्स हैं, कैंडल्स हैं, इनके प्रिपरेशन में यूज़ होगा, ठीक है। एंड नेक्स्ट वन इज नेचुरल गैस। नेचुरल गैस क्या है, देखिए नेचुरल गैस इज अ गैसियस फ्यूल, ठीक है। नेचुरल गैस एक गैसियस फॉसिल फ्यूल है
कंसिस्टिंग मेनली मीथेन एंड इथेन, जिसमें दो मेन इसके हाइड्रोकार्बन प्रेजेंट है, मीथेन और इथेन। तो इसका एग्जांपल है नेचुरल गैस फ्यूल का सीएनजी, जिसे हम कहते हैं कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, राइट। एज वी ऑल नोज कंप्रेस्ड नेचुरल गैस या सीएनजी राइट नाउ हमारे जितने भी ऑटोमोबाइल्स हैं इनका एक मेन फ्यूल है, जो जनरली एनवायरमेंट फ्रेंडली है, ठीक है, जो कोई भी पोल्यूशन कॉज नहीं करता। अब के समय जितने भी व्हीकल्स हैं, ऑटोमोबाइल्स हैं, वो सभी सीएनजी से रन होते हैं, ठीक है। तो क्या क्या इसका यूज़ है, क्यों सीएनजी को हम हाई प्रायोरिटी देते हैं एज कम्पेयर टू पेट्रोल एंड डीजल। तो फर्स्ट वन इज़ दैट ये काफ़ी चीप है, ठीक है, एज कम्पेयर टू पेट्रोल एंड डीजल, ठीक है। इसकी जो इसका जो स्टोरेज है बहुत ईजी है, ठीक है, क्योंकि गैस है, ज़्यादा स्पिल होने का इतना खतरा नहीं होता, ठीक है। थर्ड एंड लास्ट वन एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट दैट कि जब ये सीएनजी आफ्टर कम्बशन कोई भी स्मोक प्रोड्यूस नहीं करता, ठीक है, इस वजह से ये एनवायरमेंट फ्रेंडली है और एयर में कोई भी फर्दर पोल्यूशन कॉज नहीं करेगा, ठीक है। बट वेदर इन केस ऑफ डीजल एंड पेट्रोल ये आफ्टर कम्बशन स्मोक प्रोड्यूस करता है जो एयर में पोल्यूशन कॉज करता है, राइट। इस वजह से जो सीएनजी है उसे हम ज़्यादा यूज़ करते हैं और हम उसे एनवायरमेंट फ्रेंडली फ्यूल भी कहते हैं, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट सीएनजी आल्सो यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस, जो जनरली मल्टीपल न्यूक्लियर रिएक्टर में या फिर रॉकेट्स में एज अ फ्यूल यूज होती है, ठीक है। इट इज़ आल्सो यूज्ड इन वेरियस मशीनरीज, ठीक है, वेरियस रिफाइनरीज एज अ फ्यूल, ओके। तो स्टूडेंट ये था पेट्रोलियम और उसके वेरियस यूजफुल प्रोडक्ट्स के बारे में।